ಸರಿ ನಾನೇ ನಿಂತು ಬಂದು ನೋಡಿ ನಾನೇ ನಿಂತು ಬಂದು ನೋಡಿ ये जो आप सामने एक चौक देख पा रहे हैं तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा का भी एक लाइटिंग से स्टैचू बना हुआ है और साथ ही सामने आप एक और स्टैचू देख पा रहे हैं। देख रहे हैं इनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है तो ये काफ़ी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये सामने आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से लाइटिंग का डेकोरेशन किया गया है और ये ओलंपिक का है दिया हुआ है और इसके ऊपर ये जस्ट आप देख रहे हैं तो सामने लिखा हुआ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को भाला फेंकते हुए दिखाया जा रहा है इधर। ಸೈಡ್ ಓವರ್ ಬರ್ರಿ ಬೊಂಬೈ ಮಿಠಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಹೋಗಪ್ಪ ಬಂದ್ರಿ ಸೈಡ್ ಓವರ್ ಪಾಪಡೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗ್ರಿ और मेरे सामने जो आप ये गेट सजा हुआ देख पा रहे हैं ये जो है ना मैसूरू दशहरा एग्जीबिशन का गेट है जो काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। और लाइटिंग के बारे में मैसूरू में जो डेकोरेशन होता है ना दशहरे के टाइम पे, मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी लाइटिंग की डेकोरेशन नहीं देखी है तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लगता है और मेरा फर्स्ट टाइम ही है मैसूरू में।
और ये यहाँ का टिकट विंडो है, यहाँ से आके आप टिकट ले सकते हैं। जो अभी मैं हम लोग टिकट परचेज करने जा रहे हैं, देखते हैं कितने रुपए का एक टिकट है। और ये यहाँ का एंट्री गेट है, तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, टिकट इनको दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने एंट्री कर ली है और यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे फाउंटेन हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से व्यवस्था की गई है। और इसमें कुछ बच्चे बोटिंग भी कर रहे हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं, उनके साथ एक बोट चलाने वाला भी है, तो काफ़ी अच्छे से। बच्चों के लिए फुल एंजॉयमेंट है और बच्चे अपने आपस में खेल रहे हैं। अभी देखो हम लोग आ चुके हैं टिकट लेके बाइक स्टंट शो में, तो यहाँ पे बाइक स्टंट शो भी है जिसके अंदर एंट्री टिकट की बात की जाए तो 50 रुपीज़ पर हेड है, तो हमने दो टिकट लिए, 100 रुपीज़ का हुआ है। Thank you.
चल बैठेंगे किधर, अभी पाव भाजी ले लिया है तो अभी खाएंगे। ಬಾಮಚಾನ್ ಬಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾಯ್ತು ಬಾರ ಬಿಡಿರಿ ಬಾಲಾ।